हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में महिला कांग्रेस द्वारा लालकुआ के दुग्ध संघ में कार्यरत महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी भाजपा नेता और दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका गया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि यदि आरोपी वरिष्ठ भाजपा नेता की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा से आज खुद बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सरकार भाजपा नेताओं को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है, जिससे कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। महिला कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा करने में ये सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। लालकुआ थाने में एक महिला के द्वारा शिकायत दी थी, जिसमें मुकेश बोरा नाम के व्यक्ति द्वारा बलात्कार करने और उसको धमकाने का मामला संज्ञान में आया था। इसमें पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिए और जो महिला की शिकायत उसके हिसाब से विवेचना शुरू हो गई। जैसे विवेचना में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। आम बात हो चुकी है हमारे समीप, अब तो अभी तक तो देश भर में ही हो रही थी घटनाएं, अब हमारे समीप लालकुआ क्षेत्र में ये दुग्ध संघ के पदाधिकारी ने अपने ही कार्यकर्ता के साथ जो ये दुष्कर्म किया है तो कहीं ना कहीं ये घिनौना कर देने वाला काम है। और हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में ये घटनाएं अब आम होने लगी है, तो इसी के विरोध में आज हम जया कर्नाटक जी के नेतृत्व में ये सभी महिलाओं के संग यहाँ पे पुतला दहन, भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया है। और यही नहीं, कल हमारे एक निजी स्कूल में, हल्द्वानी के निजी स्कूल में भी एक इसी तरीके की घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जो पुलिस है वो अगर गश्त का कार्य करती है, क्योंकि वो सारे कार्य अपने वही ऑफिस में बैठ के करती है, तो अगर पुलिस कर्मी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो ये जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, तो क्या कहेंगे। इसी के विरोध में हमने करा है, हमारी सबकी यही मांग है कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए और उसको गिरफ्तार करके उसे सजा दी जाए। बिल्कुल जल्द जाहिर है और ये होते आ रहा है, लगातार हो रहा है। उत्तराखंड को देव भूमि कहते हैं, जो इनने पूरी भाजपा सरकार ने कलंकित कर दी है। अभी सामने देखो लालकुआ का हमारे दुग्ध संघ के जो अध्यक्ष है मुकेश बोरा जी, उन्हें मतलब एक विधवा औरत जिससे कि मतलब उनकी सांत्वना होती है, उस महिला का उत्पीड़न किया कि तुझे रोजगार दिया जाएगा, तेरे साथ हम इस तरह से करेंगे, उधर जाएगा होटल में, कभी इस होटल में, उस महिला का उत्पीड़न किया, कई बार उनके साथ बलात्कार किया, तो हम तो उसकी घोर निंदा करते हैं। यदि उस आदमी को सजा नहीं मिली तो हम सड़क तक जाएंगे और सदन तक उनका विरोध करेंगे, सड़क से सदन तक। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहे हैं और वो पर्दा डालते जा रहे हैं। भाजपा सरकार बहुत अच्छी तरीके से पर्दा डाल रही है, अपने नेताओं को बाहर निकाल रही है। मैं तो कहती हूँ ऐसे आदमी को जनता के हवाले करना चाहिए। जनता नहीं आएगा कि हम औरतों को दे दें उन्हें, तो हम बताएं मुकेश बोरा जी को या किसी अन्य व्यक्ति को कि क्या होता है महिला को उत्पीड़न करना। जय गन्ना। जैसा कि आप लोगों को विदिती है, ये उत्तराखंड हमारी देव भूमि है, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, महिलाओं को पूजा जाती है। आधी आबादी महिलाओं की होने के बावजूद भी इस देश में भाजपा सरकार के संरक्षण में आए दिन महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। अभी ये धारचूर सल्ट की बात देखिए आप, 2 दिन पुरानी बात है, 2.5 साल की बच्ची से ही हम अभी दुख से नहीं उभरे थे कि अभी सुनने में आया है कि एक ये व्यक्ति एक विधवा महिला को रोजगार दे रहे के बहाने उनको उनका वो शोषण करता आ रहा है। शोषण करते करते जब अति हो गई तो उस महिला ने उनकी रिपोर्ट कराई है। कब तक ये होता रहेगा इस देवभूमि में? हम तो धामी जी से ये कहना चाहते हैं कि महिलाएं जब वो सुरक्षा नहीं दे सकते उनको, उनके लिए कोई कठोर कानून नहीं बना सकते, तो नैतिकता के आधार पर उनको देना चाहिए। मेरा नाम मधु सांगड़ी।